हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एन बाय आईएएस। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज़ की थर्ड वीडियो है, जिसमें हम थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1954 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द थर्ड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1954 बाय टीटी कृष्णमाचारी। ओके, और इस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के सेवन्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेवन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। इट एम्बॉडीज थ्री लिस्ट। कौन कौन सी? द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, तो हमारी जो लिस्ट थर्ड है, द कॉन्करेंट लिस्ट, इसकी एंट्री 33 में चेंज किया गया था बाय द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1954। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो लिस्ट थर्ड की जो ओरिजिनल एंट्री 33 थी, वो डील करती थी विद ट्रेड एंड कॉमर्स इन द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो इसमें चेंज ये किया कि पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी भी इंडस्ट्री के किसी प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकती है, एंड सिमिलरली इम्पोर्टेड गुड्स को भी कंट्रोल कर सकती है। ओके, सच एज फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल, कैटल फोडर इंक्लूडिंग ऑयल केक एंड अदर कंसनट्रेट्स, रॉ कॉटन वेदर गिंट और अनगिंट एंड कॉटन सीड एंड रॉ जूट। यानी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1954 गिव पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू पास लॉज रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज गुड्स एंड टू डिक्लेयर कंट्रोल ओवर सर्टन इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, तो ये था हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1954। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड विद बी एन बाय आईएएस फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज। थैंक यू।